गुड मॉर्निंग, वेलकम टू द स्नाइपर डिफेंस अकेडमी यूट्यूब चैनल। जैसा कि हमारा साइंस का क्रैश कोर्स चल रहा है और उसका पार्ट वन बायोलॉजी में सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन में हम कवर कर चुके हैं, पार्ट टू भी हम कवर कर चुके हैं और हम आ रहे हैं आज पार्ट थर्ड पे। बिफोर स्टार्टिंग द लेक्चर आई विश यू ऑल द बेस्ट सभी को, क्योंकि यूपी सैनिक के भी फॉर्म आ चुके हैं, आरएमएस के फॉर्म ऑलमोस्ट फिल हो चुके हैं और नवोदय के भी फॉर्म आ चुके हैं। सभी फॉर्म भरिए, कंपटीशन की तैयारी करिए और अपने बेस्ट एफर्ट्स के साथ स्नाइपर डिफेंस एकेडमी के साथ अच्छे रिजल्ट्स लीजिए। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। तो अभी हमारा जो दो ऑर्गेनल बचे हुए थे वो था जैसे कि हमारा स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू अबाउट द रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज नथिंग, इट इज़ अ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ऑन विच राइबोसोम्स आर अटैच्ड, दैट इज़ वाई इट इज कॉल्ड एज रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्यों बोलते हैं? क्योंकि उस पर राइबोसोम्स अटैच नहीं होते, उसका जो सरफेस होता है वो स्मूथ होता है, दैट इज़ वाई स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम उसे बोला जाता है। मैंने आपको फंक्शंस बताए थे रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के, आज मैं बताऊंगा फंक्शन। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का जैसे कि मैंने फंक्शन आपको बताया था कि जो राइबोसोम्स होते हैं आपके, वो फैक्ट्री ऑफ प्रोटीन्स उन्हें बोला जाता है, दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन्स। तो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर द सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन्स। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के जो फंक्शन है वो सबसे पहला फंक्शन है आपका सिक्रीशन एंड प्रोडक्शन ऑफ स्टेरॉयड हार्मोन। लेट मी टेल यू अबाउट द बेसिक डिफरेंस बिटवीन सिक्रीशन एंड प्रोडक्शन। सिक्रीशन का मतलब होता है जब जिस हॉर्मोन्स की जितनी ज़रूरत होती है बाय ग्लैंड वो वहाँ पर जाके उतना रिलीज करे, दैट इज़ कॉल्ड सिक्रीशन। और प्रोडक्शन का मतलब होता है उसकी क्वांटिटी को बनाना, उसे प्रोड्यूस करना, दैट इज़ कॉल्ड प्रोडक्शन। सिक्रीशन जितना यूटिलाइज करना है, जितना रिक्वायरमेंट है उतना प्रोवाइड करवाना, एंड प्रोडक्शन उसकी मैन्युफैक्चरिंग को कहते हैं। दिस इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन सिक्रीशन एंड प्रोडक्शन। द फर्स्ट फंक्शन ऑफ स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज सिक्रीशन एंड प्रोडक्शन ऑफ द स्टेरॉयड हार्मोन। स्टेरॉयड हार्मोन्स क्या होते हैं? दीज आर द हार्मोन्स विच क्लासीफाई बिटवीन द मेल्स एंड द फीमेल्स, जो हमारे फीमेल्स में और मेल्स में क्लासिफिकेशन करते हैं, दीज आर कॉल्ड स्टेरॉयड हार्मोन्स। जैसे कि आपका जो मेल्स होते हैं वो मस्क्यूलर होते हैं, उनके बियर्ड होती है, ठीक है, दे हैव अ ब्रॉड चेस्ट, दे हैव अ ब्रॉड बाइसेप्स, दे हैव अ ह्यूज थाइस। तो ये सारी चीज़ें क्या हैं, ये क्लासिफिकेशन कर रही है मेल्स और फीमेल्स में। फीमेल्स जो होती हैं आपके, दे डोंट हैव फेशियल हेयर्स, दे हैव अ लो पिच साउंड, दे हैव अ लो पिच वॉइस, ठीक है। जो भी बेसिक डिफरेंस बताती है मेल्स और फीमेल्स में, दीज आर कॉल्ड स्टेरॉयड हार्मोन्स, ठीक है। तो उनके सिक्रीशन का और उनके प्रोडक्शन का बेसिकली जो जो रोल प्ले कर रहा है सेल के अंदर वो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये हमारा रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स को डेवलप करने के भी काम आता है, ठीक है। द नेक्स्ट फंक्शन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मेटाबॉलिज्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट। मेटाबॉलिज्म क्या होता है? मेटाबॉलिज्म होता है मेटाबॉलिक एक्टिविटीज, एक्टिविटी जिसमें कि हम कार्बोहाइड्रेट से, मतलब इनिशियल स्टेज से फाइनल स्टेज तक जितना भी प्रोसेस कवर करते हैं उसे मेटाबॉलिज्म कहते हैं। मतलब आपने कॉम्प्लेक्स कार्ब्स लिए और वो कन्वर्ट आपके सिंपलर कार्ब्स में हुए, फिर उसमें से जो भी इसेंशियल न्यूट्रिएंट्स था वो आपकी बॉडी को चाहिए था, वो इसेंशियल न्यूट्रिएंट आपकी बॉडी में एब्जॉर्ब हुआ, वो एक्टिविटी जो कंप्लीट थ्रू आउट द एक्टिविटी रहेगी वो उसको मेटाबॉलिज्म बोलेंगे, ठीक है। तो सेल के अंदर जो कार्बोहाइड्रेट के मेटाबॉलिज्म के लिए काम आता है वो आपका स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम काम आता है। एंड देन नेक्स्ट फंक्शन इज सिंथेसिस ऑफ एसेंशियल लिपिड्स, दैट इज फॉस्फोलिपिड्स और कोलेस्ट्रॉल, जो कि सेल मेम्ब्रेन में, मैंने आपको बताया था सेल मेम्ब्रेन किससे बनी होती है आपकी, फॉस्फोलिपिड्स। बेसिकली फॉस्फोलिपिड्स क्या होते हैं? फॉस्फोलिपिड्स होते हैं आपके जिन लिपिड्स पे, जिन फैट्स पे फॉस्फोरस ग्रुप लग जाता है। लेट मी टेल यू विद द एग्जाम्पल, ये एक तरीके की लेयर होती है लिपिड्स की, ये लिपिड्स है, अगर इस पे फॉस्फर के फॉस्फोरस के वो लग जाएंगे ग्रुप, ये फॉस्फोलिपिड्स हो जाएगी। ये आपका फॉस्फोलिपिड्स हो जाएगी।
समझ में आया सभी को? फॉस्फोलिपिड्स क्या होता है? वो लिपिड्स, वो फैट्स जिनमें फॉस्फोरस के ग्रुप अटैच हो जाते हैं, दीज आर कॉल्ड फॉस्फोलिपिड्स। इन्हीं की सेल मेम्ब्रेन बनी होती है, लिपिड्स आर कॉल्ड फैट। लिपिड्स क्या है? लिपिड्स इज नथिंग, लिपिड्स आर फैट। ठीक है, तो जो फैट्स बनाने का काम होता है वो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का काम है सेल के अंदर। और आपको मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो क्या बना रही है? आपका प्रोटीन्स। ठीक है, क्योंकि उससे जो अटैच हैं राइबोसोम्स उनका काम भी प्रोटीन बनाने का है, तो स्मूथ रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का काम भी क्या है? आपका प्रोटीन्स बनाने का। ठीक है, तो दीज आर द थ्री बेसिक फंक्शंस ऑफ द स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। नेक्स्ट कम टू द डिफरेंस बिटवीन द यूकैरियोटिक एंड प्रोकैरियोटिक सेल्स। एज आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू इन द नेक्स्ट वीडियो आई कवर्ड, आई विल कवर द यूकैरियोटिक एंड प्रोकैरियोटिक, एंड दिस इज ऑल अबाउट द यूकैरियोटिक एंड प्रोकैरियोटिक। यूकैरियोटिक सेल्स और प्रोकैरियोटिक सेल इज द क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ देयर प्रॉपर्टीज। ठीक है, द फर्स्ट डिफरेंस बिटवीन यूकैरियोटिक एंड प्रोकैरियोटिक, दीज आर मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म। ये मल्टी सेल्यूलर होते हैं, कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म होते हैं, इनमें एक से ज़्यादा सेल्स होते हैं, दैट इज़ वाई दे आर कॉल्ड मल्टी सेल्यूलर एंड दे आर कैटेगराइज्ड इनटू यूकैरियोटिक सेल्स। प्रोकैरियोटिक कैसे होते हैं? जो सिंपलर ऑर्गेनिज्म होते हैं, जो सिंपल ऑर्गेनिज्म होते हैं, जो सिंपलर ऑर्गेनिज्म होते हैं और यूनिसेल्यूलर होते हैं, वो आपके प्रोकैरियोटिक सेल्स होते हैं। वो आपके कौन से होते हैं? प्रोकैरियोटिक सेल्स होते हैं। नेक्स्ट आपका, दे आर मोर देन वन क्रोमोसोम, दे हैव मोर देन वन क्रोमोसोम्स। अब जैसे कि हमारे पास सिंपल है कि हमारा जो मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म होगा वो आपका यूकैरियोटिक में आएगा, तो ये अंडरस्टूड है कि उसके पास एक से ज़्यादा क्रोमोसोम्स होगा। इनके पास सिंगल क्रोमोसोम होगा क्योंकि यूनिसेल्यूलर हैं, तो दे ऑलमोस्ट हैव वन क्रोमोसोम्स। ठीक है, दिस इज द सेकेंड डिफरेंस। एंड द थर्ड डिफरेंस इज दे आर कॉम्प्लेक्स, एज आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू द कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिजम्स आर कैटेगराइज्ड इनटू यूकैरियोटिक सेल्स, द सिंपलर ऑर्गेनिजम्स आर कैटेगराइज्ड इनटू प्रोकैरियोटिक सेल्स। कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिजम्स का मतलब क्या होता है? जैसे कि हमारा ह्यूमन बींग्स हो गया, एनिमल्स हो गए, प्लांट्स हो गए, ये सब क्या हैं? आपके ये कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिजम्स हैं, ये यूकैरियोटिक में आएंगे। और जो आपके बैक्टीरिया और एल्गी हैं, जो सिंपलर ऑर्गेनिजम्स हैं, यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स हैं, वो सारे आपके प्रोकैरियोटिक में आएंगे। नेक्स्ट बात करते हैं, दिस इज द मोस्ट बेसिक डिफरेंस बिटवीन यूकैरियोटिक एंड प्रोकैरियोटिक। न्यूक्लियस इज प्रेजेंट इन ऑर्गेनल, न्यूक्लियस इज प्रेजेंट, द डिफरेंस इज न्यूक्लियस इज प्रेजेंट एंड न्यूक्लियस इज अब्सेंट इन प्रोकैरियोटिक। यूकैरियोटिक के अंदर न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, प्रोकैरियोटिक के अंदर न्यूक्लियस नहीं होता। ठीक है, ये सबसे इंपॉर्टेंट डिफरेंस है यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक के बीच में। वो क्वेश्चंस आपको दे, क्वेश्चन जो पूछेगा वो आपको इस तरीके से पूछ सकता है, वो आपको चार फंक्शन दे देगा यूकैरियोटिक के, हो सकता है वो चार फंक्शन दे दे प्रोकैरियोटिक के, उसमें से तीन फंक्शन आपको करेक्ट देगा और एक फंक्शन आपको रॉन्ग देगा। आपको उसमें फाइंड आउट करना होगा विच वन इज़ इनकरेक्ट। तो आपको सारे फंक्शंस और सारे डिफरेंस दोनों के बीच में पता होने चाहिए। तो न्यूक्लियस जो है आपका प्रेजेंट होता है यूकैरियोटिक में, बट प्रोकैरियोटिक में न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होता, न्यूक्लियस इज अब्सेंट। नेक्स्ट, ऑर्गेनल्स आर मेम्ब्रेन बाउंडेड। भाई जब उसमें न्यूक्लियस ही नहीं है तो ऑर्गेनल्स जो उसके अंदर होंगे वो भी मेम्ब्रेन बाउंडेड नहीं होंगे, सेल मेम्ब्रेन भी नहीं होगी। किसमें? प्रोकैरियोटिक में, बट यूकैरियोटिक में सेल मेम्ब्रेन होगी क्योंकि न्यूक्लियस भी है, न्यूक्लियस के पास बाहर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी है और साइटोप्लाज्म के बाहर सेल मेम्ब्रेन भी है। तो ये ऑर्गेनल्स, ऑर्गेनल्स मैं आपको पढ़ा चुका हूँ सारे, यही गोल्जी बॉडी, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, दीज ऑल आर ऑर्गेनल्स ऑफ द प्लांट एंड एनिमल सेल। तो ऑर्गेनल्स आर मेम्ब्रेन बाउंडेड, ऑर्गेनल्स आपके मेम्ब्रेन बाउंडेड होंगे, बट प्रोकैरियोटिक में ऑर्गेनल्स मेम्ब्रेन बाउंडेड नहीं होंगे, मतलब वो खुले में घूम रहे होंगे, वो बाउंडेड नहीं होंगे। मैं ये कह सकता हूँ इस तरीके से, ये आपका एनिमल सेल है, सपोज करिए इसके अंदर लाइजोसोम है, राइबोसोम है, ठीक है, न्यूक्लियस है, गोल्जी अपरेटस है, माइटोकॉन्ड्रिया है, वैक्यूल्स हैं, ये सारे ऑर्गेनल्स हैं। ये एक मेम्ब्रेन से बाउंडेड होंगे यूकैरियोटिक सेल्स में, यूकैरियोटिक सेल्स में ये एक मेम्ब्रेन से बाउंडेड होंगे, बट दीज आर नॉट मेम्ब्रेन बाउंडेड इन केस ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल्स, रिमेंबर दैट। यहाँ पे जो प्रेजेंट होंगे आपके लाइजोसोम, राइबोसोम, न्यूक्लियस तो होगा ही नहीं इसमें, गोल्जी, माइटोकॉन्ड्रिया, ये सब ये मेम्ब्रेन से बाउंडेड नहीं होंगे, दे आर इन ओपन स्पेस, दे आर इन
ओपन स्पेस, ठीक है। तो ये बेसिक डिफरेंस था किसके किसके बीच में, यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक के बीच में। अब इनके साइज की बात करते हैं, जो आपका यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स का मतलब साइज होगा, यूकैरियोटिक सेल का जो साइज होगा वो वेरी करेगा 1 माइक्रोमीटर से 10 माइक्रोमीटर के बीच। 1 माइक्रोमीटर में 10^6 मीटर होते हैं, रिमेंबर दैट, 1 माइक्रोमीटर इक्वल्स टू 10^6 मीटर। तो 1 माइक्रोमीटर से 10 माइक्रोमीटर तक का साइज होगा किसका, यूकैरियोटिक सेल्स का, और 0.1 से 0.5 माइक्रोमीटर साइज होगा किसका, प्रोकैरियोटिक सेल्स का, ठीक है। लेट मी ब्रीफ अगेन, व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, सिक्रीशन एंड प्रोडक्शन ऑफ द स्टेरॉयड हार्मोन्स, मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, जो क्लासिफिकेशन करता है मेल्स एंड फीमेल कैरेक्टरिस्टिक्स में, दीज आर कॉल्ड स्टेरॉयड हार्मोन। और ये जो सिक्रीशन होता है, इसका प्रोडक्शन होता है, उसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है सेल के अंदर, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। रिस्पॉन्सिबल फॉर मेटाबॉलिज्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट, कॉम्प्लेक्स कार्ब्स से सिंपलर कार्ब्स तक, और फिर उससे मिलने वाले न्यूट्रिएंट्स के एब्जॉर्प्शन तक जितनी भी प्रॉपर्टी होती है, जितना भी प्रोसेस होता है, दिस इज कॉल्ड मेटाबॉलिक एक्टिविटी। सेल के अंदर कार्बोहाइड्रेट के मेटाबॉलिज्म के लिए रिस्पॉन्सिबल रहेगा स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। द लास्ट फंक्शन इज सिंथेसिस ऑफ एसेंशियल लिपिड्स, लिपिड्स मतलब फैट्स, फॉस्फोलिपिड्स और कोलेस्ट्रॉल इसका एग्जाम्पल है। इसके सिंथेसिस के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम रिस्पॉन्सिबल है। आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू अबाउट द फॉस्फोलिपिड्स, द लेयर ऑफ लिपिड्स ऑन विच फॉस्फोरस ग्रुप्स अटैच्ड इज कॉल्ड फॉस्फोलिपिड्स। नेक्स्ट, यूकैरियोटिक सेल्स एंड प्रोकैरियोटिक सेल्स, द मल्टी सेल्युलर एंड कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिजम्स आर कॉल्ड यूकैरियोटिक सेल्स, द सिंपलर एंड यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स आर कॉल्ड प्रोकैरियोटिक सेल्स। दे हैव मोर देन वन क्रोमोजोम्स, दे हैव अ सिंगल क्रोमोजोम्स, एग्जाम्पल एनिमल सेल एंड प्लांट्स, बैक्टीरिया एंड एल्गे फॉर प्रोकैरियोटिक। न्यूक्लियस इज प्रेजेंट, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट डिफरेंस, न्यूक्लियस इज प्रेजेंट इन यूकैरियोटिक, न्यूक्लियस इज अब्सेंट इन प्रोकैरियोटिक। ऑर्गेनल्स आर मेम्ब्रेन बाउंडेड, ऑर्गेनल्स आर मेम्ब्रेन बाउंडेड, दे लाइव विद इन द सेल मेम्ब्रेन, ऑर्गेनल्स आर नॉट मेम्ब्रेन बाउंडेड। साइज वेरी ऑफ यूकैरियोटिक फ्रॉम 1 माइक्रोमीटर टू 10 माइक्रोमीटर, एंड द साइज ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल्स वेरी फ्रॉम 0.1 माइक्रोमीटर टू 0.5 माइक्रोमीटर, ठीक है। तो अब इसके आगे चलते हैं थोड़ा सा, और उसको कवर करते हैं, उसमें पढ़ते हैं कि बाकी सेल का क्या पार्ट बचा है, उसे देखते हैं। चलिए, अब जो हमारा इसमें छोटा सा पार्ट बचा हुआ है उसे और कवर कर लेते हैं, थोड़ा सा प्लास्टिड्स के बारे में जानते हैं। देयर आर बेसिकली 3 टाइप्स ऑफ प्लास्टिड्स विच इज़ प्रेजेंट ओनली इन प्लांट सेल, रिमेंबर दैट, प्लास्टिड्स खाली प्लांट सेल में प्रेजेंट होते हैं, एनिमल सेल में प्रेजेंट नहीं होते। द फर्स्ट वन इज क्लोरोप्लास्ट, द सेकेंड वन इज क्रोमोप्लास्ट, एंड द थर्ड वन इज एंड द लास्ट वन इज ल्यूकोप्लास्ट। ये एक चीज़ ध्यान रखना, हमेशा ये क्वेश्चन आता है कि प्लास्टिड्स आर प्रेजेंट ओनली इन प्लांट सेल, यूकैरियोटिक, एनिमल, वो कुछ भी फंक्शन दे देगा, ठीक है, कुछ भी मतलब दे देगा टाइप, आपको आपको ध्यान रखना है प्लांट सेल के अंदर प्रेजेंट होते हैं प्लास्टिड्स, बाकी एनिमल सेल्स के अंदर प्लास्टिड्स नहीं होते। तो सबसे पहला जो इसमें क्लासिफिकेशन है वो क्लोरोप्लास्ट है, क्लोरोप्लास्ट के बारे में जानते हैं। क्लोरोप्लास्ट आर रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्रीन कलर, तो जितने भी वेजी ग्रीन लीफी प्लांट्स होंगे आपके, या जितने भी ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स होंगी, उन सब में क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होगा, बिकॉज क्लोरोप्लास्ट हैज़ ग्रीन पिगमेंट दैट इज क्लोरोफिल। यहीं से मेरा एक क्वेश्चन और है कि क्लोरोफिल के अंदर कौन सा मेटल प्रेजेंट होता है, आप सभी को बताना है, जितने भी यूट्यूब वाले आप देख रहे हैं ना, मुझे सभी का कमेंट चाहिए, जो भी मेरी वीडियोस को रेगुलर देखता है सभी का मुझे कमेंट चाहिए कि क्लोरोफिल के अंदर कौन सा मेटल प्रेजेंट होता है। ये क्वेश्चन कई बार कंपटीशन में पूछा जा चुका है, ठीक है, इसका आंसर मैं जब नेक्स्ट पार्ट में मियोसिस और माइटोसिस पढ़ाऊंगा तब दूंगा, तब तक मैं एक्सपेक्ट करूंगा कि आप सभी कॉमेंट्स में ज़रूर आंसर मुझे इसका देंगे। नेक्स्ट आता है आपका कि किचन ऑफ द सेल इसे क्यों बोला जाता है। देखिए, इस क्लोरोफिल की वजह से तो इसका कलर ग्रीन है, और किचन ऑफ द सेल क्यों बोला जाता है, ये क्लोरोफिल पिगमेंट जो है ये आपका रिस्पॉन्सिबल होता है फूड मेकिंग प्रोसेस में, खाना बनाने के लिए हेल्प करता है प्लांट सेल को, इसलिए इसको किचन ऑफ द सेल भी बोला जाता है। ये क्लोरोप्लास्ट के अंदर प्रेजेंट है और रिस्पॉन्सिबल है किसके लिए, फॉर मेकिंग फूड,
इसलिए इसको किचन ऑफ द सेल बोला जाता है। और ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है बच्चों, विच प्लास्टिड इज कॉल्ड एज द किचन ऑफ द सेल। सो क्रोमोप्लास्ट इज कॉल्ड एज द क्लोरोप्लास्ट इज कॉल्ड एज द किचन ऑफ द सेल। ग्रीन प्लास्टिड्स होते हैं किचन ऑफ द सेल बोले जाते हैं, कंटेन्स ग्रीन पिगमेंट दैट इज क्लोरोफिल विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मेकिंग फूड। अब आता है आपका नेक्स्ट क्रोमोप्लास्ट। क्रोमोप्लास्ट ग्रीन कलर के अलावा सारे कलर प्रोवाइड करता है, एक्सेप्ट ग्रीन कलर प्रोवाइड ऑल कलर्स, ठीक है। फाउंड इन कलर पार्ट ऑफ द फ्लावर, जो आपके रंग बिरंगे जो फ्लावर्स होते हैं, ठीक है, या जो फ्रूट्स होते हैं, जैसे आपका एप्पल हो गया, ठीक है, या स्ट्रॉबेरी हो गई, या और भी बहुत सारे फ्रूट्स हो गए, जो कलरफुल फ्रूट्स होते हैं और जो कलरफुल फ्लावर्स होते हैं, उनके पीछे जो रिस्पॉन्सिबल है, उनके कलर के पीछे जो रिस्पॉन्सिबल है, वो क्रोमोप्लास्ट है। कौन सा प्लास्टिड है? क्रोमोप्लास्ट है। क्रोमोप्लास्ट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एवरी कलर फॉर फ्रूट एज वेल एज फ्लावर्स एक्सेप्ट ग्रीन कलर। ग्रीन कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल क्लोरोप्लास्ट होगा, और क्रोमोप्लास्ट रिस्पॉन्सिबल होगा आपका ग्रीन कलर से छोड़कर जितने भी कलर आपको देखने को मिलते हैं इन नेचुरल वेजिटेशन। नेक्स्ट इज ल्यूकोप्लास्ट। ल्यूकोप्लास्ट रिस्पॉन्सिबल है आपका कलरलेस के लिए, ठीक है। जितने भी कलरलेस आइटम्स या सब्सटेंसेस या फूड आइटम्स होंगे, जो नेचुरल फूड आइटम्स होंगे या प्लांट्स होंगे, वो जस्ट बिकॉज ऑफ ल्यूकोप्लास्ट की वजह से होंगे। ल्यूकोप्लास्ट इज कलरलेस प्लास्टिड। एग्जाम्पल पोटैटो, पोटैटो कलरलेस एक तरीके से, क्रीम कलर कह लीजिए या कलरलेस कह लीजिए, ठीक है। सेकेंड वन इज दे आर ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर द स्टोर ऑफ फूड्स एंड स्टार्च। जितना भी फूड और स्टार्च स्टोर होता है वो किसके अंदर होता है? ल्यूकोप्लास्ट के अंदर होता है। द बेसिक डिफरेंस इज प्लास्टिड आर प्रेजेंट ओनली इन प्लांट सेल, नॉट प्रेजेंट इन एनिमल सेल। देर आर थ्री टाइप्स ऑफ प्लास्टिड्स, क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर वॉट? ग्रीन, फॉर द ग्रीन कलर ऑफ द प्लांट, जस्ट बिकॉज ऑफ द पिगमेंट प्रेजेंट इन साइड देम, दैट इज क्लोरोफिल, ठीक है। फिर किचन ऑफ द सेल बोला जाता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, रिमेंबर दैट मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। किचन ऑफ द सेल किसको बोला जाता है? क्लोरोप्लास्ट को बोला जाता है। ग्रीन प्लास्टिड होते हैं। क्रोमोप्लास्ट आर रिस्पॉन्सिबल फॉर एवरी कलर अपार्ट फ्रॉम ग्रीन कलर, ठीक है। तो फाउंड इन कलर पार्ट ऑफ द फ्लावर, कलर पार्ट ऑफ द फ्लावर में मिलेंगे, कलर पार्ट ऑफ द फ्रूट में मिलेंगे। फ्रूट्स जितने भी कलर्ड फ्रूट्स हैं ना, एप्पल हो गया, स्ट्रॉबेरी हो गया, उसमें भी आपके क्या मिलेंगे? क्रोमोप्लास्ट मिलेंगे। ल्यूकोप्लास्ट हो गया आपका कलरलेस प्लास्टिड हो गए ल्यूकोप्लास्ट। ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं आपका किसके लिए? फूड को स्टोर करने के लिए और स्टार्च को स्टोर करने के लिए। एग्जाम्पल है आपका पोटैटो। नेक्स्ट कम टू द सेंट्रोमर। सेंट्रोमर के बारे में ज़्यादा कुछ हमें पढ़ना नहीं है। सेंट्रोमर सेंट्रोजोम का ही एक पार्ट है, ठीक है, विच इज़ नॉट लोकेटेड एट द सेंटर ऑफ द सेंट्रोजोम। दे आर लोकेटेड एट द एंड ऑफ द आर्म्स ऑफ सेंट्रोजोम। ये आपके जो सेंट्रोजोम होते हैं आपका, या क्रोमोजोम जो होते हैं, क्रोमोजोम्स के एंड पार्ट में, ठीक है, क्रोमोजोम्स के एंड पार्ट में उनकी जो आर्म्स होती हैं उससे अटैच होते हैं सेंट्रोमर। सेंट्रोमर का क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी, मतलब सेंट्रोमर का क्या फंक्शन है, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है इसकी सेल के अंदर, तो मैं बताता हूँ। देखो आपको, जब हम सेल डिवीजन पढ़ेंगे, ठीक है, माइटोसिस एंड मियोसिस जब हम पढ़ेंगे, तो अगर आपको सेंट्रोमर के बारे में पता नहीं होगा तो आपको वो डिवीजन अच्छे से समझ में नहीं आएगा। ये क्या होते हैं? आपका जो डीएनए डिवाइड होता है, जो आपका सेल डिवीजन में डीएनए डिवाइड होता है, वो डीएनए डिवीजन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं सेंट्रोमर। ये एक तरीके से स्पिंडल फाइबर्स पे अटैच होते हैं। स्पिंडल फाइबर्स आपका रिस्पॉन्सिबल होते हैं जब सेल डिवीजन होगा तो कुछ इस तरीके से केज लाइक स्ट्रक्चर स्पिंडल फाइबर्स का सेल के आधे पार्ट पे ऊपर आ जाएगा और आधे पार्ट पे नीचे आ जाएगा, और वो अपनी तरफ पुश करेगा, ये अपनी तरफ पुश, वो अपनी तरफ पुल करेगा, ये अपनी तरफ पुल करेगा, और जब ये पुल करेगा तो सेल का डिवीजन विल टेक प्लेस। द सेल डिवीजन विल टेक प्लेस, सेल का डिवीजन होगा, ये ऊपर की तरफ खींचेगा, ये नीचे की तरफ खींचेगा। तो डीएनए जो डिवाइड होगा सेल डिवीजन में, उसके लिए रिस्पॉन्सिबल जो होंगे वो सेंट्रोमर होंगे, ठीक है। स्पिंडल फाइबर्स पर अटैच होते हैं, स्पिंडल फाइबर्स की आर्म्स पर अटैच होते हैं, या क्रोमोसोम्स की आर्म्स पर अटैच होते हैं, ठीक है। ये आपके स्पिंडल फाइबर्स हैं। इसके बाहर एक लेयर होती है, आउटर लेयर, ये काइनेटोकोर की बनी होती है,
ठीक है, ये क्वेश्चन भी पूछ लेता है कि सेंट्रोमर के बाहर जो लेयर होती है वो कौन से किस चीज़ की बनी होती है, तो वो काइनेटोकोर बोलते हैं उसे, काइनेटोकोर होता है वो। ठीक है, रीजन वेयर द स्पिंडल फाइबर्स आर अटैच, ठीक है, डिवाइड अप इट्स डीएनए ड्यूरिंग द डिवीजन, जब आपका डीएनए डिवाइड होगा उसमें रिस्पॉन्सिबल जो होगा वो आपका क्या रिस्पॉन्सिबल होगा, सेंट्रोमर रिस्पॉन्सिबल होगा। लोकेटेड एट द एंड ऑफ द क्रोमोसोम्स, ये क्रोमोसोम्स है ना, अब इसका एंड क्या है, इसका एंड यही तो है, इसके एंड में ये अटैच होता है क्रोमोसोम्स के। ठीक है, तो इनका फंक्शन ज़्यादा नहीं है बट इम्पॉर्टेंट फंक्शन है इनका भी, ये सेल डिवीजन में डीएनए को डिवाइड करने के काम आते हैं। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है ये भी अपने आप में। क्रोमोसोम्स आर्म्स पे अटैच होते हैं और सिग्नल प्रोसेसिंग सेंटर्स भी होते हैं। सिग्नल प्रोसेसिंग सेंटर्स मतलब सेल के अंदर सिग्नल पहुंचाने का काम भी कौन कर रहा है, सेंट्रोमर। डीएनए आरएनए तो है ही ऑलरेडी, बाकी ये डीएनए तो आपका जेनेटिक और हेरिडिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल हो गया। ठीक है, आरएनए जो हो गया राइबोन्यूक्लिक एसिड, वो आपका रिस्पॉन्सिबल हो गया सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन्स के लिए, अपार्ट फ्रॉम एंड स्मूथ एंड रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और राइबोसोम्स। ठीक है, बाकी सिग्नल प्रोसेसिंग का काम जो कर रहा है, सिग्नल प्रोसेसिंग सेंटर से इन्हें बोला जाता है, जिस सेंटर से सेल के अंदर सिग्नल भेजे जाते हैं उनको सिग्नल प्रोसेसिंग सेंटर बोला जाता है, और उसका वो क्या है, सेंट्रोमर है। वो क्या है, सेंट्रोमर है। सिग्नल प्रोसेसिंग सेंटर्स कौन है, वो सेंट्रोमर। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में मेरे प्यारे दोस्तों हम कवर करेंगे आपका डिवीजन ऑफ सेल। ठीक है, मियोसिस माइटोसिस सारी फेजेस उनकी, मतलब अच्छे से डिटेल स्टडी उनकी पढ़ेंगे हम, कि जीवन फेज क्या होता है, मेटा फेज क्या होता है, कंप्लीट डिवीजन पढ़ेंगे डिटेल में, और डीएनए और आरएनए को भी कवर करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हमारा सेल कम्प्लीटली ख़त्म हो जाएगा, उसके बाद एक आपको पीडीएफ प्रोवाइड कर दी जाएगी, लास्ट वीडियो जो इसकी बनेगी, जो इससे नेक्स्ट वीडियो होगी उसमें लिंक प्रोवाइड कर दिया जाएगा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो सेल में से पूछे गए हैं या एक्सपेक्टेड क्वेश्चन जो सेल में से पूछे जा सकते हैं। उससे पहले मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, आप सभी वीडियोज़ भी देख रहे हैं बट ना तो कमेंट कर रहे हैं, ना लाइक कर रहे हैं, ना शेयर कर रहे हैं। ठीक है, फ्री और अफोर्डेबल एजुकेशन आपको मिल रही है। अगर आपको मेरे कंटेंट में कोई कमी लग रही है तो मैं फीडबैक भी आप सभी से मांग रहा हूँ, फीडबैक दीजिए, मुझे बताइए कि आप ये इम्प्रूव कर सकते हैं, वे ऑफ कम्युनिकेशन में, वे ऑफ टीचिंग में, मोड ऑफ टीचिंग में, वॉट एवर यू वॉन्ट टू गिव मी एज अ फीडबैक। ठीक है, बट आप शेयर करिए, लाइक करिए, कॉमेंट करिए, दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। ठीक है, आप लोग शेयर करते हैं, कॉमेंट करते हैं तो हमें मोटिवेशन मिलता है, आगे काम करने का मन करता है। ठीक है, थैंक यू, जय हिंद।